तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा स्टोर है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी कि COD अवेलेबल करो, COD अवेलेबल करो। तो गाइज़ यहाँ पे COD भी मैंने अवेलेबल कर दी है। बट आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप प्रीपेड पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को मुझे कॉल करना होगा। कॉल जो नंबर होगा मेरा वो मेरे स्टोर में आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप एक बार कॉल करके भी मुझसे पता कर सकते हैं। बाकी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो गई है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। सो गाइज ये रहा हमारा 4.1 बोर्ड, ठीक है। और गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, छोटा सा पंखा चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पे 4.1 बोर्ड है और इसकी कंप्लीट वायरिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कनेक्शन मैंने किए हैं जो कि आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। गाइज़ यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 वायर जोड़े हैं। बीच वाला जो वायर है वो मैंने साइड में जोड़ लिया है, ठीक है, और बाकी साइड वाले दोनों इधर जोड़ लिए। देखिए जो बीच से वायर आ रहा है, मतलब जो हमारा थोड़ा सा हल्का, मतलब इसे ग्रे कलर कह सकते हैं, ग्रे कलर का जो वायर है वो बीच वाला मैंने साइड में जोड़ लिया है क्योंकि ग्राउंड में हमें उसे लगाना है। तो ये बेस के लिए है, ठीक है, तो इसके कनेक्शन कर लिए। उसके बाद गाइज़ यहाँ कुछ वॉल्यूम का कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया है मैंने, आपको दिखा देता हूँ। 2.1 में भी सेम इसी तरीके से किया था मैंने। तो क्या किया है गाइज़, जो बीच वाला वायर है, जो इसका बीच वाला वायर है वो देखिए मैंने ग्राउंड में जोड़ दिया है, जैसा बेस में किया है मैंने, बेस वाले ड्यूल में, ठीक है। बीच वाला वायर ग्राउंड में जोड़ दिया है, इसका भी जो बीच वाला वायर है उसे भी हमने जो है ग्राउंड में जोड़ दिया है। यहाँ पे जो दोनों ग्राउंड के वायर हैं, मतलब दोनों जो ग्राउंड के पिन हैं उसे शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद गाइज़ यहाँ देख सकते हो इसके जो दोनों अगल बगल के वायर हैं, लेफ़्ट और राइट वाले, वो यहाँ पे साइड में लेफ़्ट और राइट में जोड़ दिए हैं, ठीक है। और जो बीच वाले ये लेफ़्ट और राइट पीला और ग्रीन और ब्लू वाला जो वायर है वो हमारा इसके बीच में जुड़ा हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने जोड़ लिया है। और गाइज़ यहाँ पे एक और कनेक्शन किए हैं जो कि स्पीकर सॉकेट में किया है मैंने। तो गाइज़ बीच वाला जो वायर है उसे ग्राउंड ले लिया है हमने, और यहाँ पे दोनों को शॉर्ट कर दिया है, और लेफ़्ट राइट को हमने रेड वाले में लेफ़्ट राइट कर दिया, ये जो रेड वाला है इसमें लेफ़्ट राइट कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। अब गाइज़ हमें क्या करना है, अब इसके कनेक्शन करने। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ट्राई करेंगे बेस के इससे, ठीक है। तो बेस का जो हमारा है, तो सबसे पहले हम बेस वाले पे जाएंगे। तो गाइज़ हमें देखना है बेस वाला कौन सा है। तो यहाँ देखिए गाइज़ बूफर और ये 3 आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बेस के लिए है। तो बेस का हमें यहाँ कनेक्ट करना है। तो गाइज़ हम सिंपल इसको इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका जो बीच वाला है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड को पहले ही मैंने यहाँ पे साइड में जोड़ लिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मुझे इसे कनेक्ट कर देना है। गाइज़ आपने 2.1 होम थिएटर में देखा होगा जो हमारा साइड वाला था वो ग्राउंड था, लेकिन इसके अंदर जो है हमारा बीच वाला ग्राउंड है, इनपुट में भी और बेस में भी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है मैं यहाँ सोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मेरे को सोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ सोल्डर लगा लिया, अब जो है आसानी से इसे जो है हम सोल्ड करेंगे। तो ये एक पिन सोल्ड हो गया, अब धीरे धीरे करके हम सारे पिनों को सोल्ड कर लेंगे। सॉरी गाइज मेरे पास कोई पकड़ने वाला नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है मेरे पास। तो यहाँ पे ये पिन भी हमने सोल्ड कर दिया, और इसे भी जो है हम यहाँ सोल्ड कर देते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है बेस का हमने जो है सोल्ड कर दिया है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। थोड़ा सा ये लास्ट वाला जो पिन है वो हिल रहा है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से हम सोल्ड करेंगे। तो गाइज़ ये जो है अब सोल्ड हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब गाइज़ हम क्या करते हैं, यहाँ स्पीकर के कनेक्शन करते हैं। तो स्पीकर के कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये जो 3 हमें यहाँ दिख रहा है स्पीकर, यहाँ लिखा हुआ है SP, तो इसमें हमें इस तीनों को डायरेक्ट सेम इसी तरीके से जोड़ देना है। गाइज़ ये चीज़ें मैंने पहले कर ली थी और मैंने आपको बता भी दिया, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। तो बीच वाला इसका ग्राउंड है, तो हमें बीच वाले को हमने ग्राउंड रखा है पहले ही, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, बीच वाले को बीच में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और साइड वाले को साइड में जो है कनेक्ट कर लेते हैं। सोल्डिंग थोड़ी सही से करना है गाइज़, क्योंकि सोल्डिंग जो है वो छूट जाएगी। मैं यहाँ आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी सोल्डिंग जो है वो अच्छे से ही कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये देख सकते हैं, ये हमारा स्पीकर का वायर यहाँ पे अटैच हो गया है। अब गाइज़ हमें क्या करना है, वॉल्यूम के कनेक्शन करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए गाइज़ यहाँ पे आपको ये 3 पिन मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है इनपुट का है, VC लिखा हुआ है, ये हमारा इनपुट का है। तो इसके अंदर भी हमें डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्ट कर देना है, जैसे
मैंने कनेक्ट किया है क्योंकि इसका जो बीच वाला है वो हमने ग्राउंड में ले लिया है ग्रीन वाला, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम इसे भी यहाँ पे कनेक्ट जो है कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है और क्या कनेक्शन रह रहे हैं इसको कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस देख करके। तो ये आपको खुद से देख लेना है कौन सा इसमें वायर प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो मैं देख लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कहाँ प्लस माइनस कनेक्ट करना है। तो गाइस इसमें 3805 की आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा माइनस के साइड का है। तो देखेंगे कैपेसिटर से कौन सा वायर कनेक्ट है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका माइनस वाला हिस्सा आगे की साइड है। देखिए ये लाइनिंग बनी हुई है ये हमारा माइनस का है। तो यहाँ पे सेम ये देखिए ये हमारा बीच वाले से जो आ रहा है ये माइनस में कनेक्ट है। तो यहाँ हम एक कनेक्ट कर देंगे और एक यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ जा रहा है सॉकेट में, ये हमारा सॉकेट ये रहा। तो ये वाला जो एरिया है ये इधर वाला माइनस का है इधर वाला प्लस का है, ठीक है। जो साइड वाली पिन से निकलता है वो प्लस होगा और जो बीच वाली पिन से निकलता है वो माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं जो है एक बार देख लेता हूँ इसमें कौन सा प्लस और माइनस है। सो गाइज़ यहाँ देखिए ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हमारे दो कनेक्शन रह रहे हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का। तो ये ट्रांसफार्मर को हम कर लेते हैं। यहाँ पे वायर थोड़ा सा है इसको मैं छील लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत कर रहा था। यहाँ पे देखिए गाइज़ इसको 12012 ऐसे सेम लगा देना है। तो इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइज़। आप अगर मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा 4.1 की वायरिंग कैसे करते हैं। ये आप लोगों के कमेंट के ही ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले 2.1 की वायरिंग भी बताई है मैंने, उससे थोड़ी डिफरेंट है इसकी वायरिंग, ठीक है। तो ये गाइस ये हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो गया। अब जो है हम कनेक्ट करते हैं अपने बूफर को, मतलब बूफर के कनेक्शन करते हैं। तो बूफर का ये रहा साइड में, तो इसको हम जो है ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितनी आसानी से जो हमारा कनेक्शन है वो हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से ही मैंने जोड़ रखे थे, कुछ वायर्स छील रखे थे। तो काफ़ी आसानी से हो गया और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो गाइज़ ये देखिए ये हमारा हो गया कनेक्शन, ठीक है। तो गाइज़ ये पूरा कनेक्शन हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। यहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है 12012, ठीक है। यहाँ हमें ट्विटर लगाना है या फिर स्पीकर 3 इंच का, ठीक है। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे हमें बूफर लगाना है और ये हमारा बेस के लिए हो गया। यहाँ ब्लूटूथ पैनल लगा देना है इसमें पावर सप्लाई के लिए। और ये जो है इसका एक और एरिया जो है ये हमें इसके इनपुट में लगा देना है इसके अंदर। तो मैं जल्दी से सारे कनेक्शन करके एक बार आपको चला करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन जो है वो पूरे हो चुके हैं और पावर सप्लाई भी ऑन है, ठीक है। गाइज़ यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, वैसे अगर आप ऐसे मतलब बिना कैमरे के देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन कैमरे में देख रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो लाइट है वो ग्लो और बंद हो रही है, ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप कैमरे के बिना देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। तो पता नहीं इसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके वजह ये जो कैमरे में कैद हो रहा है पता नहीं। वैसे आप लोगों ने रिमोट का भी देखा होगा, रिमोट की जब आप बत्ती जलाएंगे कैमरे के सामने तो कैमरे में आपको जलती हुई दिखाई देगी, वैसे अगर आप अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो सेम कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो सकता है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पावर सप्लाई दे दी है, यहाँ पे 8 इंच का बूफर यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मैग्नेट छोटी है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया इंची मैटर नहीं करता, हमारा जो वोल्टेज है जो मैग्नेट का साइज़ है वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर लिया है मैंने, एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो लेट्स प्ले वन सॉन्ग जो कि नॉन कॉपीराइट हो, जिसमें कि यूट्यूब मुझे कॉपीराइट ना दे। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मैंने यहाँ डाल दिया, NCS का आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़रूरी होता है इसे प्ले करना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो एक यहाँ पे जो है हम ये वाला सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है। सॉन्ग प्ले हो गया, थोड़ी आवाज़ को हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ आवाज़ कम कर लिया मैंने। और ये ऐड ख़त्म होने दीजिए थोड़ा इसको। तो यहाँ पे सॉन्ग जो है प्ले हो गया और अब जो है फुल कर लेते हैं, इसे फुल कर लिया हमने, ठीक है। इसको भी हम फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए
तो गाइज़ आप लोगों ने देखा आपको जो झनकार है वो कितनी अच्छी क्लियरिटी में सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्विटर ही यूज़ किए हैं ना कि स्पीकर यूज़ किए हैं। ट्विटर यूज़ करोगे तो आपको और भी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सकती है। यहाँ पे बूफर का भी आपने पंच देखा, इसकी मैग्नेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी छोटी है। तो गाइज़ इसकी मैग्नेट जो है वो काफ़ी छोटी है, लगभग 50 वॉट के करीब होगी इसकी मैग्नेट। और गाइज़ अब आपको एक वार्निंग दे देता हूँ मैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। गाइज़ यहाँ पे 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसकी हीट सिंक जो है नॉर्मली हीट तो हो रही है, ये हमिंग आने लगी क्योंकि इसका सरफेस जो है नीचे टच हो गया। इसको उठा देता हूँ, हमिंग ख़त्म। तो गाइज़ ये हीट हो रहा है, आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसे यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको कोशिश करना होगा इसका जो हीट सिंक है उसे चेंज कर दें, ठीक है। बाकी उतना भी हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मली अगर आप इसे 2-3 घंटे भी चलाएंगे तो ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। बाकी हीट तो नॉर्मली ये होता है, मैंने होम थिएटर के अंदर लगाया है वो भी हीट होता है, लेकिन काम कर जाता है, इससे आपके होम थिएटर में कोई भी डिफेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को ये जो वायरिंग है वो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो तो बता देना नीचे कमेंट करके, बाकी कोई डाउट हो तो वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको बोर्ड परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे स्टोर का, वहाँ COD भी अवेलेबल है, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो गाइज मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।